नवाचार किए जाएंगे ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के एक माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पर 12% की पेनाल्टी लगेगी जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज़्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन एक पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंग कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। हरिंदर मल्लिक जी, आप एकदम क्यों उठ गए? मुझे बुला तो पहले उठ गए थे आप तो। मानवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवर, मैं माननीय मंत्री जी साहब के माध्यम से जा